हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग एंड वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। तो गाइस आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा कमाल करने वाली, क्योंकि गाइस आज की इस वाली वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ इस टाइप का लोगो बनाना सिखाने वाला हूँ पिक्सेल ऐप से। भाई वीडियो बहुत ही ज्यादा कमाल की होने वाली है। अभी से अगर वीडियो पर लाइक नहीं करा तो वीडियो को लाइक कर देना, और जो भी चैनल पर न्यू वाली प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो चलिए चल रहे हैं वीडियो की तरफ को। तो गाइस सबसे पहले आपको अपना पिक्सेल ऐप ओपन कर देना होगा, फिर क्या करना होगा कि इसकी सबसे पहले साइज इंक्रीज कर देना होगा। साइज इंक्रीज करने के लिए इस लास्ट वाले ऑप्शन में क्लिक कर देना होगा। तो क्लिक कर देने के बाद इमेज साइज वाले ऑप्शन में क्लिक कर कस्टम में क्लिक कर और यहाँ से यूट्यूब थंबनेल को सिलेक्ट कर ओके में क्लिक कर देना होगा। देंगे ओके में क्लिक कर देने के बाद अभी इस टेक्स्ट को आपको डबल क्लिक यहाँ पर कर देना होगा। तो क्लिक कर देने के बाद यहाँ पर आपको सिंपली MRS यहाँ पर कैपिटल लेटर्स में आपको टाइप कर देना होगा। तो ये मैं कर लिया हूँ। तो कर देने के बाद आपको क्या करना होगा कि यार ये हट गया दोबारा से, मैं कर लेता हूँ दोबारा से। तो ओके, तो गाइस अभी ना फिलहाल आप देख ही पा रहे हो कि मैंने दोबारा से टाइप कर लिया हूँ। तो आपको क्या करना होगा कि इस तरह से आपको इस ऑक्टागन वाले ऑप्शन में क्लिक कर इस तरह से ए वाले ऑप्शन में क्लिक कर देना होगा। ठीक है, ए वाले ऑप्शन में क्लिक कर इस तरह से नीचे आ जाना होगा और इस फॉन्ट को सिलेक्ट कर देना होगा। फॉन्ट में सिलेक्ट करने के बाद एक फेकोन नाम का एक फॉन्ट आता है, वो आपको इस पर लगाना होगा, ये फेकोन। तो इसको आपको ओके में क्लिक कर देना होगा। तो जैसे ही आप ओके में क्लिक करोगे तो यहाँ ये जो टेक्स्ट में फेकोन नाम का सिलेक्ट करा का वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो सबसे मेन बात जो है ये आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान में रखनी है कि इसका कलर जो है यहाँ पर आपको कर देना है ब्लैक। बिल्कुल सही, तो यहाँ पर इसका कलर ब्लैक रखकर यहाँ से राइट में क्लिक कर देना होगा। तो राइट में क्लिक करने के बाद दोबारा से इस टेक्स्ट वाले में आ जाना होगा। तो आ जाने के बाद दोबारा से डबल क्लिक कर यहाँ से आपको सुपर फास्ट बिजनेस यहाँ पर ट्राइप आपको कर देना होगा। तो वो ट्राइप कर मिलता हूँ आपको 2 मिनट में। तो डन गई, जितना कर देने के बाद यहाँ से डन में क्लिक कर देना होगा। तो डन में क्लिक करने के बाद ओके में क्लिक कर देना, भाई डन कर डन में क्लिक कर देना भाई, ये भी ना बात। तो इसकी साइज आपको इस तरह से इंक्रीज कर देनी होगी और इस तरह से नीचे आकर इसके फॉन्ट जो है आपको ये वाला रख देना होगा जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये मैं फोन सिलेक्ट कर लिया हूँ JRC M54। तो इसको आपको सिलेक्ट कर देना होगा। सिलेक्ट कर देने के बाद इसकी साइज आपको डिक्रीज कर देनी होगी इसके हिसाब से, जो इस तरह से इतनी फुल भी डिक्रीज नहीं कर देनी, कुछ इस टाइप से कर देनी होगी। तो इतना कर देने के बाद आपको क्या करना होगा कि इसका इसकी भी मेन बात आपको कलर ब्लैक रखना ही रखना है, वाइट आप इसका नहीं रख सकते हो। ब्लैक मतलब कि वाइट नहीं रखना, फिर आप जो भी कलर आपको पसंद आए वो आप रख सकते हो। तो गाइस जितना कर देने के बाद आपको क्या करना होगा, अभी आपको इस ऑक्टागन वाले ऑप्शन में क्लिक कर देना होगा। तो क्लिक कर देने के बाद आपको इसके इंपोर्ट वाले ऑप्शन में क्लिक कर देना होगा। तो एनी जैसे ही आप इसमें इंपोर्ट क्लिक करोगे तो यहाँ से आपकी गैलरी ओपन हो जाएगी। देंगे यहाँ से आपके मोबाइल की PNG सेलेक्ट कर देनी होगी। अगर आपके पास नहीं है तो एक पिक्सआर्ट ऐप आता है, उससे आप डाउनलोड कर सकते हो। आप मोबाइल या एंड्रॉयड या किसकी PNG डाउनलोड मोबाइल PNG सर्च करोगे तो ये PNG आप अगर आ जाएगी। तो यहाँ से आपको सिलेक्ट कर देनी होगी। तो सिलेक्ट कर देने के बाद आपको ये ऐसा ही नहीं लगाना, इसका पहले कलर चेंज कर देना है। तो कलर चेंज करने के लिए इस कलर वाले आइकॉन में क्लिक कर इसको ओपन कर देना होगा। एंड यहाँ से ब्लैक कलर आपको सिलेक्ट कर देना होगा। तो सिलेक्ट कर देने के बाद यहाँ से राइट में क्लिक कर देना होगा। तो एंड राइट में क्लिक करने के बाद इस तरह से इसको आपके रोटेट कर देना होगा, जैसे कि अभी आप देख सकते हो कि मैं कर लिया हूँ। तो इतना कर देने के बाद अभी आपको क्या करना होगा कि फिर से इस इंपोर्ट वाले ऑप्शन में क्लिक कर देना होगा। तो इनके क्लिक करने के बाद आपको ये वाला एक मतलब कि PNG आपको सेलेक्ट कर देना होगा। अभी आप देख सकते हो ये सर्कल वाला, तो इसको आपको करने के बाद यहाँ से राइट में क्लिक कर देना होगा। तो इनके राइट में क्लिक करने के बाद इसको आपको साइज डिक्रीज कर देनी होगी कुछ इस टाइप से, यार इसको पहले लॉक कर देना होगा। तो लॉक करने के बाद इस लॉक करने के लिए इस वाले ऑप्शन में क्लिक कर देना होगा और यहाँ पर इस लॉक को क्लिक कर देना होगा। तो देंगे जिस वाले मतलब के वर्ड को लेकर यहाँ पर आपको कुछ स्ट्रेप सेट कर देना होगा। तो इनके सेट कर देने के बाद आपको क्या करना होगा कि यहाँ से आपको शेप्स वाले ऑप्शन में क्लिक कर देना होगा। तो शेप्स वाले में यहाँ पर आपको सर्कल सिलेक्ट कर देना होगा। तो इनके सिलेक्ट कर देने के बाद यहाँ से आपको राइट में क्लिक कर देना होगा। तो राइट में क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से टू बैक वाला एक ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिलता है, उसमें आपको क्लिक कर देना होगा। तो क्लिक कर देने के बाद आपको क्या करना होगा कि इस सर्कल को लेकर इसकी मतलब कि बिल्कुल रेंज में आपको रख देना होगा। तो आपको सबसे पहले इसको लॉक कर देना होगा, इस सर्कल को आपको लॉक कर देना होगा। तो अभी आप देख सकते हो कि ये हमारा फिल बिल्कुल सही आ गया है, वरना हम इसको रोटेट कर रहे थे वो हो जा रहा था। तो इस तरह से आपको इसके बिल्कुल पीछे एक थोड़ी सी लाइन छूटनी चाहिए। तो यहाँ से इस पोजीशन वाले ऑप्शन में क्लिक कर आप यहाँ पर सेट कर सकते हो। तो कर देने के बाद यहाँ से राइट में क्लिक कर देना होगा। तो क्लिक कर देने के बाद आपको इस वाले ऑप्शन में क्लिक कर देना होगा। तो क्लिक कर देने के बाद आपको इस मोबाइल की PNG और ये जो हमने सर्कल सेलेक्ट कर रहा था इन दोनों को आपको इस तरह से कॉम्बाइन यानी कि मिला देना होगा। तो मिला देने के बाद आपको इस तरह से नीचे आ जाना होगा। तो आ जाने के बाद इस इरेज कलर वाले ऑप्शन में क्लिक कर इसको आपको ओपन कर देना होगा। तो देंगे ओपन कर देने के बाद मैं आपको बताता हूँ आपको आगे क्या क्या कर देना होगा। तो गाइस मिस्टेक ये हुई थी कि आपको ये जो वाला सर्कल है ना उसको आपको कर देना होगा ऊपर साइड में। तो ऊपर कर देने के लिए आपको क्या करना होगा कि यहाँ से आपको इसे मतलब कि फ्रंट वाले ऑप्शन में क्लिक कर देना होगा। तो क्लिक करने के बाद अभी आप इसको बिना
यूजर के मिला सकते हो। तो अभी आप देख सकते हो मैं मिला लिया हूँ। अभी आप बिना दिक्कत के इस इरेज कलर में ओपन कर देना होगा। तो जैसे ही आप ओपन करोगे यहाँ पर आपका कट हो जाएगा। तो ये भाई बहुत ही ज़्यादा मिस्टेक थी, ये एक चीज़ में सीखने को मिल गई है भाई। तो अभी आपको इस वाले ऑप्शन में क्लिक कर, जिसको हमने इससे मतलब कि आई में क्लिक कर दिया था, मतलब कि पता नहीं यार क्या कर दिया था, आपको इस वाले मतलब कि ओपन कर देना होगा। और इससे मोबाइल की पीएनजी जो है वो आपको अभी लॉक कर देनी होगी फिलहाल के लिए। तो इन्हें लॉक कर देने के बाद आपको दोबारा से इस वाले ऑप्शन में क्लिक कर देना होगा। तो इसमें क्लिक करने के बाद इस शेप्स को आपको सिलेक्ट कर देना होगा और यहाँ से आपको राइट में क्लिक कर देना होगा। तो वाइट कलर में स्क्वायर आपको सिलेक्ट कर देना होगा। तो कर देने के बाद आपको क्या करना होगा कि इसके ऊपर भी आपको कुछ इस टाइप से रख देना होगा, जैसे कि मैं फिलहाल रख लिया हूँ। तो ये आपको ठीक तरह से रख देना होगा इसके पूरे मतलब के रेंज में जहाँ पर ये मतलब के आ रही है। तो इतना कर देने के बाद अभी आपको क्या करना होगा कि इसी वाले ऑप्शन में क्लिक कर देना होगा। तो क्लिक कर देने के बाद इस मोबाइल की पीएनजी और ये सर्कल मतलब के स्लेट रेक्टेंगल बन चुका है अभी। तो इन दोनों को कॉम्बाइन कर देना होगा। तो इनके कॉम्बाइन कर देने के बाद आपको क्या करना होगा कि इस तरह से आपको नीचे आ जाना होगा। तो सॉरी यार ये क्या, तो देंगे जब आपको इस तरह से नीचे आ जाना होगा और इस इरेज कलर में ऑप्शन में दोबारा से क्लिक कर इसको भी ओपन आपको कर देना होगा। तो इन्हें जैसे ही आप ओपन करोगे तो यहाँ भी आप देख सकते हो यहाँ पर कट हो चुका है ये दोनों, जैसे कि अभी आप देख सकते हो। तो अभी आपको क्या कहना होगा इसी वाले ऑप्शन में क्लिक कर देना होगा ऊपर वाले में और आपको सभी को लॉक कर देना होगा। तो इस तरह से सभी को लॉक कर सिर्फ इस वाले सर्कल को छोड़ देना होगा, ये वाले को। तो अभी आपको क्या कहना होगा इस टेक्सचर वाले ऑप्शन में क्लिक कर या गैलरी से आपको एक आयरन का बैकग्राउंड सेलेक्ट कर देना होगा, जो आप मतलब इसका कलर हम आयरन का रखने वाले हैं। तो सिलेक्ट कर मिलता हूँ आपको 2 मिनट में। तो ओके, तो गाइस अभी ना फिलहाल आप देखी पा रहे हो कि मैंने आयरन का बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लिया हूँ। तो देन गाइस यहाँ से राइट में क्लिक कर देना होगा आपको। तो राइट में क्लिक करने के बाद इसकी स्केलिंग को आपको इस तरह से कर देना होगा 25 कर देना होगा, 205 कर यहाँ से राइट में क्लिक कर देना होगा। तो इन राइट में क्लिक करने के बाद अभी आपको क्या कहना होगा इन सभी को कम्बाइन कर देना होगा, सॉरी सभी को नहीं कर देना होगा, आपको इस सर्कल को छोड़कर सभी को कम्बाइन कर देना होगा, इस सर्कल को छोड़कर ये भी मैं कह चुका हूँ। तो अभी आपको कहना होगा कि इसका भी आपको कलर चेंज कर देना होगा, बल्कि गोल्डन कर देना होगा। तो करने के बाद सिंपली इस टेक्सचर वाले ऑप्शन में क्लिक कर यहाँ गैलरी से आपको एक गोल्डन बैकग्राउंड सेलेक्ट कर देना होगा। तो सिलेक्ट कर मिलता हूँ आपको 2 मिनट में। ऑलराइट गाइस, तो अभी आप देख सकते हो कि मैंने गोल्डन का बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लिया हूँ। तो देंगे यहाँ से आपको राइट में क्लिक कर देना होगा। तो इन राइट में क्लिक करने के बाद इसकी स्केलिंग को अभी आपको इस तरह से इंक्रीज कर देना होगा, 1 मतलब 16:0 कर यहाँ से राइट में क्लिक कर देना होगा। तो राइट में क्लिक करने के बाद आपको इसी अभी इस वाले ऑप्शन में क्लिक कर इन दोनों को भी कॉम्बाइन कर देना होगा, यानी कि इस तरह के कॉम्बाइन कर मतलब एक ही लोगो बना देना होगा पूरे फोटो को। अभी आप देख सकते हो ये हमारा एक ही लोगो बन चुका है। तो साइज आपको इस तरह से इंक्रीज कर देनी होगी। तो अभी आपको इसे लास्ट वाले ऑप्शन में आकर इस फ्रॉम गैलरी में क्लिक कर देना होगा और एक ओल्डेस्ट वॉल का जो मतलब कि बैकग्राउंड सेलेक्ट कर देना होगा। तो यहीं से ही मैं सिलेक्ट करके मिलता हूँ आपको 2 मिनट में। तो डन गाइस, इतना करने के बाद यहाँ से आपको राइट में क्लिक कर देना होगा। तो इन राइट में क्लिक करने के बाद अभी आपको इसको पीएनजी को लेकर इसे ऑक्टागन वाले ऑप्शन में क्लिक करके इस तरह सबसे लास्ट में आ जाना होगा, बल्कि सबसे लास्ट में नहीं तो इसे स्टॉक्स वाले ऑप्शन में आपको क्लिक कर देना होगा। इसकी इन्वेल्ट को आपको ओपन कर देना होगा। एन गाइस, इसको आपको क्या करना होगा कि इस तरह से ये छोड़ देना होगा, मतलब कि 2 स्ट्रोक्स विथ जो है आपको इस तरह से कर इसका ब्लैक कलर कर देना होगा 2%, ठीक है हमारे। तो यहाँ से राइट में क्लिक कर देना होगा। तो इनके राइट में क्लिक कर देने के बाद अभी आपको क्या कहना होगा इस शेडोज वाले ऑप्शन में क्लिक कर देना होगा, इनवेल्ट को आपको ओपन कर देना होगा, ब्लर रेडियस आपको इस तरह से कर देनी होगी 3 कर अभी आपको क्या कहना होगा कि इस तरह से आपको अपना मूवमेंट मतलब कि शेडोज को आपको ऑफ एक्स को मतलब कि -6-7 कर देना होगा, जैसे कि अभी आप देख सकते हो कि मैं कर लिया हूँ। तो इतना कर देने के बाद आपको क्या कहना होगा कि थोड़ा बहुत इसको मैं सेट करके दिखा देता हूँ कि आपको किस तरह से कर देना होगा। तो गाइस जितना कर देने के बाद यहाँ से राइट में क्लिक कर देना होगा। एंड गाइस राइट में क्लिक करने के बाद इस इनर शेडोज को आपको ओपन कर देना होगा। तो ओपन करने के बाद इसकी ब्लर एरियाज को आपको फुल्ली डिक्रीज कर देनी होगी। तो यहाँ से आपको अभी आप देख सकते हो कि आपका लोगो यहाँ पर रेडी हो चुका है, जैसे कि अभी आपने थंबनेल में देखा था। तो गाइस आज की इस वीडियो में इतना ही, आई होप आपको ये वीडियो जरूर अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी अभी से जगह लाइक कर देना, इस वीडियो में हम कर देना ओनली 100 लाइक लीजिए, सभी लोग जल्दी से लाइक कर देना, गोल कमेंट कर देना। बाकी गाइस आज की इस वीडियो में मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।